गाइस ये बैटरी से चल रहा है ठीक है ना। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस मैं बनाया हूँ एक कमाल का गाइस यहाँ पर एम्पलीफायर बॉक्स। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एम्पलीफायर बॉक्स है गाइस ये रिचार्जेबल होने वाला है ठीक है ना। गाइस इसको रिचार्ज कर कर गाइस आप लोग बार बार इसको यूज कर सकते हैं ठीक है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग दो स्पीकर 3 वाट का यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक ऑन ऑफ स्विच भी मैं लगाया हूँ। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए गाइस यहाँ पर एक कंट्रोलर भी लगाया गया है ठीक है ना। तो गाइस आप लोग भी ये रिचार्जेबल गाइस एम्पलीफायर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर ज्यादा तो कुछ है नहीं, सिंपली यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जिससे कि ये ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को ऑन कर दिखाते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन होने के बाद गाइस यहाँ से जो है आप जो स्पीकर इधर कनेक्ट करिएगा, ठीक है ना, उसका जो वॉल्यूम है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, और गाइस यहाँ से स्पीकर कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें इजीली आप लोग दो स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस इसमें पैम 8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल लगा हुआ है, तो गाइस 33 वाट का गाइस आप लोगों को दो स्पीकर इसमें इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जो एम्पलीफायर बॉक्स है ये रिचार्जेबल है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर एक एसी वाला चार्जिंग सॉकेट लगाया हुआ हूँ। ठीक है ना, तो चलेगा आप लोगों को सबसे पहले चार्ज कर दिखाता हूँ गाइस इसे चार्ज हो रहा है या नहीं। तो गाइस देख सकते हैं ये जो पिन है गाइस बोर्ड से कनेक्ट चलेगा, इसमें लगाते हैं और लगाने के बाद गाइस देख सकते हैं इसमें एक ब्लू लाइट जल रहा है। ठीक है ना गाइस, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ब्लू लाइट जल रहा है, यानी कि हमारा जो एम्पलीफायर बॉक्स है ये चार्ज हो रहा है। और गाइस इसमें मैं दो बैटरी लगाया हूँ, तो गाइस ये जो बैकअप भी है वो काफी अच्छा खासा दे देगा। ठीक है ना, तो चलेगा इसको निकालते हैं और चलेगा इसमें दो स्पीकर कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का दो मेरे पास होम थिएटर का सैटेलाइट स्पीकर। ठीक है ना, ये गाइस दोनों स्पीकर को कनेक्ट करते हैं। तो गाइस कनेक्ट करना काफी ज्यादा आसान है, गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्पीकर का जो रेड वाला वायर है सिंपली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो कनेक्टर लगा हुआ है उसको रेड वाले में लगा देना है। इसमें भी स्पीकर में ही प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो गाइस होता क्या है कि थोड़ा बहुत जो साउंड पर फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना, और गाइस ये जो ब्लू वाला है ये माइनस वाला है, तो सिंपली गाइस ब्लैक वाला में इसको लगा देना है। ठीक है ना, तो गाइस एक स्पीकर मेरा कनेक्ट हो गया, चलिए गाइस दूसरा स्पीकर भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसको भी कनेक्ट करने के लिए सेम उसी तरह ब्लू वाले को यहाँ पर ब्लैक वाले में कनेक्ट कर देना, और गाइस ये जो रेड वाला है उसको रेड वाले में ही कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा जो ये एम्पलीफायर बॉक्स है इसमें ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो चलेगा इसको पीछे करते हैं और एम्पलीफायर बॉक्स को आगे करते हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर ही इसको डाल देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो गाइस देख सकते हैं दिखने में कितना ज़्यादा गजब का यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो चलेगा अब आप लोगों को इसको सिंपली यहाँ से एम्पलीफायर बॉक्स को ऑन करते हैं। ऑन करते हैं गाइस देख सकते हो कोई भी साउंड नहीं आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ से साउंड कम किया हुआ है। ठीक है, तो चलेगा यहाँ से बढ़ाते हैं। बनाने के बाद गाइस आप लोगों को कोई भी साउंड नहीं आ रहा होगा, तो चलेगा यहाँ पर जो इस ये है ये ब्लूटूथ मोड में दूसरा मोड चेंज करके आप लोगों को दिखाएंगे तब इसमें से साउंड आएगा। ठीक है, देख सकते हैं एफएम मोड में आ गया। ठीक है ना, चलेगा जी दूसरा मोड पर यूएक्स मोड भी है इसमें, चलिए दूसरा मोड करते हैं। तो गाइस ये फिर से ब्लूटूथ मोड में आ गया। ठीक है ना, तो चलेगा आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं और गाइस कोई सॉन्ग प्ले कर आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ से फुल साउंड कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ से फुल साउंड है और गाइस यहाँ से भी फुल साउंड है। ठीक है, साउंड का गाइस क्लियरिटी देखिए गाइस आप लोग, चलेगा साउंड कम कर देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो पोटेंशियोमीटर से साउंड है कितनी अच्छी तरीके से कम हो रहा है। गाइस ये एम्पलीफायर बॉक्स कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और गाइस इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को दो छोटा छोटा एमडीए बोर्ड से स्पीकर बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को साउंड टेस्टिंग कराऊंगा, तो गाइस इससे भी बेटर साउंड आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।